So, दोस्तों आज हम लोग जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करने जा रहे हैं ना दोस्तों, वन प्लस का बहुत ही बेस्ट टॉप ऑफ द लाइन स्मार्टफोन है जो दोस्तों 2024 में लॉन्च हुआ है। मैं दोस्तों आप लोगों को बता देता हूँ, 23 जनवरी 2024 को ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है एंड दोस्तों Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर के साथ आप लोगों को ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने पहचान लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों जिन लोगों ने नहीं पहचान पाया दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं दोस्तों आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ OnePlus 12 के बारे में एंड दोस्तों OnePlus ने ये स्मार्टफोन इतना भयंकर लॉन्च किया है ना दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने रिसेंटली OnePlus 12 एंड IQ 12 जो कि दोस्तों बहुत बड़े राइवल हैं दोस्तों, इनके नंबर भी सेम लग रहे थे, पर दोस्तों नंबर सेम होने से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर IQ 12 ने हम लोग को 4 पॉइंट्स दिए थे एंड दोस्तों OnePlus 12 जो दोस्तों 6 पॉइंट्स है उस वीडियो का विनर बन चुका था। तो दोस्तों आज हम लोग उसी विनर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो दोस्तों 6.82 इंचेस का QHD प्लस LTPO AMOLED डिस्प्ले आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे दिया गया है। HDR10 एंड 10 प्लस को ये डिस्प्ले सपोर्ट करता है एंड दोस्तों 4500 निट्स की आप लोगों को यहाँ पर पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी एंड दोस्तों गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन एंड दोस्तों कर्व डिस्प्ले है। दोस्तों जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो कर्व डिस्प्ले होना तो बनता है। अगर दोस्तों आगे बढ़े बात करें अगर इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो दोस्तों आप लोगों के ऊपर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाएगा LYT 808 सेंसर के साथ, दोस्तों टॉप ऑफ द लाइन सेंसर है एंड दोस्तों 48 मेगापिक्सल का आप लोगों को यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड दोस्तों 64 मेगापिक्सल का आप लोगों को यहाँ पर पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आप लोगों को OIS का सपोर्ट देखने को ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि दोस्तों एक फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन है। एंड दोस्तों अगर वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में बात करें, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर टॉप 8K 24fps की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड दोस्तों कैमरा के मामले में तो मैं बोलूंगा दोस्तों कैमरा तो इसका टॉप ऑफ द लाइन मेरे को लगा है एंड दोस्तों जो इसका कैमरा सेटअप है ना दोस्तों बहुत ही अच्छा है। दोस्तों OnePlus 11 एंड OnePlus 12 में उतना कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है, पर दोस्तों जो इसका बम्प है एंड दोस्तों इसका जो कलर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे कैमरा के बॉर्डर पर, दोस्तों यहाँ पर जो छोटी छोटी चीजें लिखी होती ना दोस्तों वो मेरे को देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती है एंड दोस्तों आईफोन एंड सैमसंग के बाद पता नहीं दोस्तों मेरी ऐसी क्यों चॉइस है, मैं दोस्तों OnePlus एक फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन कंसीडर करता हूं। तो दोस्तों अगर आगे बढ़े बात करें अगर स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा के बारे में, तो दोस्तों आप लोगों को यहां पर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप लोग 2K 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट कर सकते हैं एंड दोस्तों गेमिंग को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो गेमर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर खुशखबरी है। दोस्तों 5400 mAh एम की बैटरी है एंड दोस्तों 100 वॉट की आप लोगों को यहाँ पर फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 12GB LPDDR5X RAM एंड दोस्तों 256GB UFS 4.0 स्टोरेज टाइप दोस्तों दोनों टॉप ऑफ द लाइन यहाँ पर ले जाया गया है एंड दोस्तों लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन 14 एंड दोस्तों यहाँ पर OnePlus के ऑफिशियल ऑक्सीजन OS पर ये स्मार्टफोन बेस्ड है। अगर दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंतुतु स्कोर्स के बारे में बात करें, तो दोस्तों 2 मिलियन तो ये आराम से टच कर ही देता है, जो कि दोस्तों जो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 यहाँ पर आप लोगों को प्रोसेसर लग के मिल जाता है दोस्तों, इससे बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट हो जाती है एंड परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर टॉप ऑफ द लेवल देखने को मिल जाती है। IP65 की आप लोगों को यहाँ पर वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे एंड दोस्तों उस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों अगर आप लोग एंटरटेनमेंट या फिर दोस्तों गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग आंख बंद करके इस स्मार्टफोन की तरफ मूव कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5.4 एंड दोस्तों वाईफाई 7 एंड NFC का भी सपोर्ट आप लोगों को इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा, पर दोस्तों इतने सारे बेस्ट कॉम्बिनेशन, इतने सारे बेस्ट स्पेसिफिकेशन, टॉप ऑफ द लाइन प्रोसेसर, टॉप ऑफ द लाइन कैमरा है दोस्तों, टॉप ऑफ द लाइन यहाँ पर बैटरी भी आप लोगों को देखने को मिल जाती है, स्टोरेज टाइप भी अच्छी है, तो दोस्तों इसकी प्राइस क्या होगी, तो दोस्तों आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में गेस करिएगा कि दोस्तों इसकी प्राइस क्या होगी एंड दोस्तों आप लोगों को इसकी प्राइस मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से ऐसी एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप लोगों को दोस्तों ये स्मार्टफोन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा एंड दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं एंड दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यहाँ पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए ऐसा ही बेस्ट कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते हैं आप लोगों से ऐसी वीडियो में, तब तक दोस्तों मेरे चैनल को दीजिए सब्सक्राइब।